على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि महमद वाली व बारिक व वसलम आज के इस मुख्तसर से वक्त में मोिकफिन हजरात की खिदमत में एक ख़ास गुजारिश करनी है चंद मोतिकफिन का इसरार था कि हमें कोई ख़ास नसीहत फ़रमाएँ एतकाफ में इंसान बहुत सारी इबादत करता है नवाफिल पढ़ता है कुरान करीम की तिलावत करता है कसा नमाजें अदा करता है और तस्बी पढ़ता है तौबा पढ़ता है हाजत पढ़ता है तहतलू पढ़ता है मस्जिद पढ़ता, 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 पढ़ता है तरावी का अहतमाम करता है ज़ाहिर मस्जिद में उसने रहना है तकबीर वाला का अहमाम करता है कितनी इबादत हैं जो मोतकी फज़रात करते हैं और बहुत सी ऐसी इबादत होती हैं कि मतकफिन कर तो नहीं पाते लेकिन अल्लाह ताला उनको अतकाफ़ की बदौलत उनका अजर और सवाब अता फ़रमाते हैं जैसे मतकफ़ नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सकता लेकिन उसको जनाजा पढ़ने का स्वबा मिलता है मोतकफ़ मैत को कंधा नहीं दे सकता लेकिन एतकाफ़ की वजह से ये चूँकि माज़ूर है इसको सवाब मिलता है मतकफ जो है बीमार आदमी की तीमारदारी नहीं कर सकता चूँकि मतकफ़ जो है वो मस्जिद से बाहर नहीं निकल पाता लेकिन उसको अजर और सवाब जो है वो पूरा पूरा मिल रहा होता है तो ये अल्लाह ताला की शान करीम है कि जो इबादत मोतकफ़ कर नहीं पाता अल्लाह ताला उसका सबाब उसके नामा आमाल में लिख देते हैं एक ख़ास इबादत जो ख़ूस तौर पर मतिकफिन के लिए है वो है दुआ कि मोतकफ़ आदमी को यकसई नसीब होती है चूँकि दुनिया से ये बिल्कुल अलग थलग होता है और ख़ास कर जिसने आठ दिन एतक़ में गुजार ली हूँ और बाकी दो दिन बाकी रहते हों तो उस पर एक अहतक की वजह से यकसुई की कैफियत तारी हो जाती है और इबादत का नूर उसको नसीब हो जाता है तो मतकफ़ के लिए जहाँ दूसरी इबादत ज़रूरी हैं वहाँ दुआ का अहतमाम भी बहुत ज़रूरी है आज का मतकफ़ कुरान करीम की तिलावत खूब डटके करता है कई कई पारे पढ़ता है बाज़ मोतकफ़ रोज़ाना कुरान करीम भी मुकम्मल कर लेते हैं बाज बातकफ़ नवाफिल का बड़ा अहतमाम करते हैं सौ सौ रकात नफिल पढ़ते हैं बाज दो, दो सौ पढ़ लेते हैं बाज बातकफ़ दरूद पाक का एहतमाम करते हैं हज़ारों मतबा दरूद पाक पढ़ लेते हैं लेकिन जो कमी है वह दुआ की कमी है जबकि मोतकफ़ को दुआ का बड़ा अहमाम करना चाहिए इसलिए कि कुर करीम में और अहादी से पाक में हमारी शरीयत ने हमें इस दुआ की बड़ी अहमियत बताई क़ुरान करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वक़ाल वक़ाला अस्तज़िब अस्तजबल तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कह रहा है कि तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा यानी अल्लाह ताली इस दुआ में इस आयत में हमें दुआ का हुक्म भी दे रहे हैं और कबूलीत दुआ का वादा भी फरमा रहे हैं। फरमाें बकालब रोनी अस्तजिब लकुम तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ करो अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा और आगे वेद भी बता दी इदीन यस्तकून इबादती सैद खलून जहन्नमद दाखीन के जो लोग मेरी इबादत से मेरी बंदगी से या मुझसे दुआ मांगने से तकबर करते हैं उनको हम जलील करके दो में दाखिल करेंगे तो मालूम होता है कि दुआ भी एक बड़ी इबादत है और यह भी मुसलमान के लिए ज़रूरी है और ख़ास कर मोतकफिन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमायादवल इबादा दुआ तो न इबादत है एक हदीस मुबारक में फरमाया दुआल इबादा दुआ जो है यह इबादत का मफ् है एक हदीसी पाक में अल्लाह के नबी फ़रमाते हैं कि दुआ इंसान को हर हाल में नफ़ा देती है इन दुआ अन्फ़ाओ मम्मा नजल अ व मम्ा लमजिल कि जो मुसीबतें आफात बलियात नाजिल हो चुकी होती हैं दुआ उनमें भी नफ़ा देती है कि दुआ के जरिए अल्लाह उन बलाओं को उन वबाओं को टाल देते हैं और फ़रमाए व ममा लम यंजिल और जो अभी आफात उतरी तो नहीं लेकिन उतरने वाली होती हैं दुआ उनमें भी नफ़ा देती है कि अल्लाह दुआ के जरिए उन आफात को रोक देते हैं उन मुसीबतों को टाल देते हैं जो आफात आसमान से उतरने वाली होती हैं जो बलाएँ उतरने वाली होती हैं ये दुआ उनको रोक देती है। ये दुआ जो है ये भी अल्लाह के आजाब से बचने का एक बेहतरीन जरिया है कर्न करीम अल्लाह तरमाते कुल माँ या अबिकुम री लौला दुआ ताला को तुम्हारी परवाह ना होती अगर ये तुम दुआ ना करते तुम्हारी दुआओं ने अल्लाह की रहमत को तुम्हारी तरफ मुतव कर दिया तुम्हारी दुआओं ने अल्लाह की तरफ से जो आजाब उतरने वाले थे उनको रोक दिया फिर मैं लौला दुआक अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो फिर अल्लाह को तुम्हारी भी परवाह ना होती अल्लाह तला फिर जिस तरह जिस वक्त चाहते तुम्हें आजाब में मुबतला कर देते तो मालूम होता है दुआ जो है ये इंसान के लिए हर हाल में नफ़ा देने वाली चीज़ है और अल्लाह ताला खुद भी चाहते मेरे बंदे मुझसे मांगे और फिर कबूलियत का भी वादा फरमा रहे हैं तो इसलिए हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए मोतकफ जहाँ दूसरी इबादत करता है वहाँ सुबह शाम एक घंटा आधा घंटा पौना घंटा खलबत में तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से मुनाजात करें खूब यकसुई होती है बस मांगने की कमी होती है अल्लाह ताला की रहमतें पूरी तरह मुतवज्जे होती हैं काश ये बंदा भी दिलो जान से मुतवज्जे हो जाए फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन फतिहत अब दुआ, फतिहात अब रहमा। फरमाया जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिस पर दुआ के दरवाजे खुल गए अल्लाह की तरफ से उस पर राहमत के दरवाजे खुल गए क्या मतलब यानी जिसको अल्लाह खूब दुआएं मांगने की तोफीक अता कर दें, समझ लो उसके लिए रहमतों के दहाने के दरवाजे और बरकतों के दरवाजे उसके लिए खुल गए तो आज हमारी जिंदगियों में बेबरकती इसीलिए है कि हम दुआओं का एहतमाम नहीं करते इसलिए तमाम मोतकीफिन से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने अवात में से खूसी वक्त दुआ इफ्तारी से पहले शहरी के वक्त ये दो औकात तो हम कर ही सकते हैं वैसे तो रमज़ान में रोज़ेदार की हर वक्त दुआ कबूल होती है रोज़ेदार तो अल्लाह की नज़र में इतना कीमती है फरमाया है ये जब रोज़ा सुबह बंद करता है इफ्तारी तक सत्तर हज़ार फरिश्ते इसके लिए मुसलसल रोज़ाना मगफ़रत की दुआ कर रहे होती यहां तक फरमाया परिंद चरिंद इसके लिए दुआ करते हैं बल्कि फरमाया मछलियां दरिया में समुन्द्र में रोजेदार के लिए दुआ मफ्रत कर रही होती तो काश ही रोजेदार खुद भी अपने लिए दुआ करने वाला बन जाए तो इसलिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया है एक दिन है ये दो दिन है एक रात है यह दो रातें हैं ये तो अल्लाह ही जानता है लेकिन बहरहाल अभी कुछ ना कुछ वक्त बाकी है तो क्यों ना हो ये वक्त हम दुआ में गुजारें और अल्लाह ताला से मांगे अल्लाह के नबी नबीला से, से ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ कबूल करते रहते हैं मालम या जल जब तक के बंदा जल्दबाजी ना करे कुछ लोग होते हैं ना दो दिन दुआ की कबूल ना हुई तो छोड़ दी हफ्ता दुआ की कबूल ना हुई तो दुआ मांगनी छोड़ दी महीना दुआ की हुई तो दुआ मांगनी छोड़ दी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कबूल दौा की जाती ना लो बाजात अल्लाह चाहते हैं कि ये मेरा बंदा मुझसे खूब मांगे ये मांगता रहे मांगता रहे मांगने वाले ऐसे होते हैं कि अल्लाह तला को उनका मांगना अच्छा लग रहा होता है इसलिए अल्लाह चाहते चाहते हैं ये मेरा बंदा ख़ूब मुझसे मांगे खूब सवाल करे तो इसलिए हमें भी परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर कोई दुआ जाहिर में कबूल नहीं हो रही अल्लाह ताला उसको हमारे लिए आखिरत में जख़ीरा बना रहे हैं या अल्लाह ताला हमारे लिए उस दुआ की बरकत से बहुत सारी आफतों से हमें निजात दे रहे हैं मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती और ख़ास कर रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती एक मुसाफिर की दुआ एक मजलूम की दुआ तीसरा फरमाया रोजेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ तो इसलिए मेरे दोस्तों दुआ का एहतमाम करें लेकिन दुआ हम जब मांगे दिलो जान से मांगे अल्लाह के नबीलाल ने फरमाया अल्लाह ताफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करती यानी वो दुआ जो लापरवाही से की जाए वो दुआ कबूल नहीं होती तो मोतकफ को तो यकसुई नसीब होती है ये बीवी बच्चों से कटा होता है रिश्तेदारों से दोस्त अहबाब से दुनिया के मामला से दुनिया के लेन देन से बाजार से तजारत से दुनिया के हर मशगले से यह फारग होता है और फिर अल्लाह के घर में होता है फिर रोजे की हालत में होता है फिर बाजू होता है तो इसको कितनी एक नसीब होती है तो दुआ की कबूलियत के तमाम इसबाब मौजूद होते हैं मोतकफ के लिए एहतकाफ़ खुद एक सबब है दुआ की कबूलियत का तो एहतकाफ़ में है फिर रमज़ान में है फिर अल्लाह के घर में है फिर बाजू है फिर रोज़े की हालत में है अगर रोजे की हालत में नहीं है तो रात को क़्याम की हालत में है तरावी पढ़ता है नवाफिल पढ़ता है तो कितने इसबाब कुरान की तिलावत कर रहा है यानी सारे के सारे इस्बाब जो दुआ की कबूलियत के होने चाहिए वो सब मौजूद होते मोतकफ के लिए लेकिन मोतकफ दुआ नहीं कर रहा होता तो इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ ये जो एक दो दिन बाकी रह गए हैं हम सब इसमें दुआओं का अहमाम करें अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए और मोतकफिन के अहतकाफ़ को कबूल फरमाए असल बात तो कबूलीत की है अगर हमने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे और कबूल ना हुए तो हमारे रोज़े किस काम के हमने रमज़ान में दस दिन का अहतक कर लिया कुछ लोगों ने पूरे महीने का अहतक किया है वो कबूल ना हुआ तो ये अहतका किस काम का है असल चीज़ तो कबूलीत है तो हम रमज़ान के इन लम्हात में जो कि तेज़ी से रुख़त होने वाले हैं हम इसमें अल्लाह तफ़ार भी करें जैसे इबादत करनी चाहिए थी नहीं कर सके जैसे तकाफ का अदा करना चाहिए था नहीं कर सके और साथ साथ हम कबूलियत की दुआ भी मांगे और दुआ जहां अपने लिए करें अपने वाले के लिए करें अजीज व लिए करें वहां सारी उम्मत के लिए करें रबाना ली वली वाली दैया वालीना योम यकोमल कुरान भी हमें बता रहा है कि जहाँ अपने लिए मकफरत की दुआ करनी है अपने वालदेन के लिए करनी है वहाँ सारे ईमान वालों के लिए भी करनी है अल्लाह के नबी सल्लाम का भी यही मामूल था आप सल्लम दुआ फरमाते अपने लिए फिर पूरी उम्मत के लिए दुआ करते थे तो इसलिए मोतकफिन को चाहिए जहाँ अपने लिए दुआ करें वहाँ अपने वालदेन के लिए अपने असिज़ वब के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें आज पूरी उम्मत जो है ये दुआओं की मुस्तक है पूरी उम्मत दुआओं की मोहताज है तो इसलिए हम सिर्फ अपने ही लिए दुआ ना करें बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करें इमाम गजाली रहमत ला लिखते हैं कि जो शख्स जो शख्स चार दुआएं करता है अल्लाह ताला उसको मौत से पहले पहले अपने अलिया में शामिल कर लेते हैं बल्कि अलिया में एक मकाम अब्दाल का अल्लाह उसको मौत से पहले वो मकाम अता करते हैं फिर उसको मौत देते हैं वो कौन सी दुआएं हैं फरमाया है, पहली दुआ तो यह है अल्लाह असलह उम्मत हबीबी, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत की असलाह फरमा हम उम्मत हबीबी, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत के हाल पर रहम फरमा अल्लाह फर्रिजान उम्मत अल्लाह अपने महबूब की उम्मत की मुश्किल को हल फरमा उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा उनके गमों को दफ़ा दूर फरमा और चौथी दुआ अल्लाह उम्म फिर हबीबिक वली जमीन आमन अल्लाह अपने महबूब की उम्मत की बख्शिश फरमा और जितने लोग आज तक तुझ पर ईमान लाए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो इन चार दुआओं का अहमाम करता है अल्लाह ताला मौत से पहले पहले उसको मकाम विलाए तता फरमाते फिर उसको मौत नसीब होती है तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जहाँ अपने लिए दुआ कर रहे हैं तकाफ में वहाँ पूरी उम्मत के लिए दुआ करें इस वक्त पूरी उम्मत पर जवाल है और पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम उम्मत के एक एक फ़र्द के लिए दुआ करें और ख़ास कर जिस वबा में और जिस बला में हम गिरफ्तार हैं पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है उससे नजात की दुआ मांगें अल्लाह मुझे आपको हम सबको और पूरी उम्मत को इस वबा से निजात फरमाए और अल्लाह हम सब के रमज़ान के रोज़ों को और तरावी को कबूल फ़रमाए और जिस मुसलमान ने जो भी जिस तरह की भी इबादत की है अल्लाह सब की इबादत को कबूल फरमाए और अल्लाह मतकीफिन के को कबूल फ़रमाए जिन हजरात ने ख़ास तौर से इस वक्त दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनकी भी दिल की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए बहुत सारे दोस्तों ने मर्दों ने ख़ी ने दुआओं के लिए दरख्वास्त की है अल्लाह उन सब की नेक हाजात को और जायज मुरादों को अल्लाह पूरा फरमाए और अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग अहतकाफ़ में हैं अल्लाह सब के अतकाफ़ कबूल फ़रमाए बदाना अनहमद रबालमीन